ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टेस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, वो मापदंड जो भी डिटरमिन किए गए हैं वो मोर और लेस एमयू मीट करता है, लेकिन वो डिटरमिनेशन कि वो मापदंड मीट करता है वो एक छोटी बेंच करेगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि आरक्षण के कौन से नियम फॉलो होंगे, क्या एएमयू का अलग नियम होगा। जो एक नॉन माइनॉरिटी का मेजर क्वेश्चन मार्क था एमयू के ऊपर से, वो आज 7 जज ने अजीज बादशाह को ओवर रूल करते हुए वो एक हटा दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ गया। इस मामले याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट शादान फरासत हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इस फैसले के सीधे सीधे मायने क्या? देखिए, सीधा मायना ये है कि 1967 का जो डिसीजन था अजीज बादशाह में, वो ओवर रूल कर दिया गया, जिसने होल्ड किया था कि एमयू एक नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और इसलिए जब वो डिसीजन ही सेट असाइड कर दिया गया है, तो जो 80s का अमेंडमेंट था जो उस डिसीजन को ओवरकम करने के लिए गया था, वो भी इरेलेवेंट हो गया है अब। और आज जो है वो मापदंड भी बरकरार कर दिए गए हैं, जिस पे बेसिस पे ये डिटरमिन किया जाएगा कि एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। वो मापदंड जो भी डिटरमिन किए गए हैं वो मोर और लेस एमयू मीट करता है, लेकिन वो डिटरमिनेशन कि वो मापदंड मीट करता है वो एक छोटी बेंच करेगी, जो जब भी मैटर लिस्ट होगा। अमूमन छोटी बेंच बड़ी बेंच को मामला रेफर करती है, यहां बड़ी बेंच छोटी बेंच? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप लीगल क्वेश्चन डिसाइड कर लेते हैं तो उस लीगल क्वेश्चन का एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है, वो बहुत बार बड़ी बेंच छोटी बेंच को भेजते हैं। इसमें आरक्षण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि आरक्षण के कौन से नियम फॉलो होंगे, क्या एएमयू का अलग नियम होगा। देखिए, अभी जब वो माइनॉरिटी स्टेटस एक तरह से जुडिशियली डिटरमिन नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से आरक्षण का क्वेश्चन भी आज की डेट में फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन जो एक नॉन माइनॉरिटी का मेजर क्वेश्चन मार्क था एमयू के ऊपर से, वो आज 7 जज ने अजीज बादशाह को ओवर रूल करते हुए वो एक हटा दिया है। अजीज बादशाह के मामले में क्या फैसला था जिसको ओवर रूल किया? अजीज बादशाह के मामला में यह फैसला था कि जब 1920 में कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि वो एक लेजिस्लेचर है कॉलोनियल गवर्नमेंट का, इसलिए उसे मुसलमानों ने या मुस्लिम माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश नहीं किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन अलग चीज होती है। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी एस्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एक लीगल फॉर्म देने के लिए, एक लीगल ढांचा देने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकती है। वो एक लेजिस्लेचर को भी अप्रोच कर सकती है कि भाई आप इसमें एक लॉ पास कर दीजिए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट अलग चीजें हैं। आखिरी सवाल, के 3 जजों की पीठ किन मानदंडों पर आगे सुनवाई करेगी? जो मानदंड सेट किए गए हैं 7 जज बेंच पे, उसी के हिसाब से चलेगी। इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारी जातियां हैं, तो क्या उनको भी आरक्षण के लिए अलग से? आरक्षण एक सेपरेट इशू है। आरक्षण का इशू ना सुप्रीम कोर्ट ने आज कंसिडर किया, ना एक माइनॉरिटी स्टेटस पे था। ऑब्वियसली अगर माइनॉरिटी स्टेटस इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंच इसका अपहोल्ड करती है फैक्चुअली ऑल्सो, तब उस समय अगर ये आरक्षण देना चाहते हैं अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो वो दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी शादान फराशत, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि आगे 3 जजों की पीठ इस मामले में फैसला करेगी, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खास तौर से जो कसौटी तैयार की है सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के संविधान पीठ के बहुमत के 4 जजों ने, उस कसौटी के आधार पर यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस पर कितना खरा उतरता है। इस पर मानदंड ये भी होंगे, किन लोगों ने स्थापित किया था, किस उद्देश्य से स्थापित किया था, उसमें किन लोगों का पैसा लगा था, किस उद्देश्य से, मकसद से स्थापित किया गया था। और चूंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलोनियल एरिया में, यानी अंग्रेजों के जमाने में स्थापित की गई थी एक एक्ट बनाकर, तो अब आज के दौर में, आज के जमाने में उस एक्ट के अलावा बाकी अन्य मापदंडों पर वो कितना खरा उतरती है, इसका निर्णय 3 जजों की पीठ करेगी। कैमरामैन मनीष विधूड़ी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।